Adam Dobrowolski. सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। हाँ तुलसी जी कह रहे हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से लाइव सेक्शन को ज्वाइन कर लें ताकि हम आज के सेक्शन को प्रारंभ करते हैं। इसमें आप छत्तीसगढ़ ओपन एग्जाम से संबंधित हो चाहे राजस्थान स्टेट ओपन से, दोनों ही विद्यार्थी जुड़ करके अपने जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लाइव सेक्शन के अंदर आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। उससे पहले जो उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने मुझे कमेंट किया था फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो उन्होंने कमेंट किया था, उन कमेंट की रिप्लाई देने वाला हूं। तो कुछ बच्चों ने जो कॉमन बातें रखी है उन बातों को कहूंगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने बार बार पूछा है कि सर हमें पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, उन्होंने केमिस्ट्री का पूछा है। तो देखो मैं आपको दो ही बात क्लियर करूंगा दोनों तरीके से कि जैसे राजस्थान स्टेट ओपन के अंदर पासिंग मार्क आपको 33% लाने जरूरी है, मतलब 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं। उसके अंदर आपके इंक्लूडिंग आपके जो 17 अंक होते हैं वो 17 अंक जुड़कर आपको लाने होते हैं। ये तो कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो 17 अंक जुड़ करके और जो लिखित परीक्षा में जो नंबर आप लाते हो वो होकर के आपके क्या होने चाहिए 33%। कक्षा 12 के भी उन विद्यार्थियों के लिए भी 33% नंबर जरूरी है जिनके प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के प्रैक्टिकल है उनमें प्रैक्टिकल और जो थ्योरी वाली है दोनों में पास होना जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी जितने नंबर का प्रैक्टिकल होता उसका 33% नंबर आपके आने चाहिए और जो थ्योरी प्लस जो आपके 17 अंक भेजे जाते हैं, जो आपके सेक्शनल मार्क्स भेजे जाते हैं, जो आप पीसीपी कैंप ज्वाइन करते हो पीसीपी कैंप के थ्रू आपके भेजे जाते हैं वो लिखित जुड़ करके भी 33% नंबर आपके होने चाहिए और दोनों का जुड़ करके भी फिर 33% आपका होना चाहिए। तो ये रेशियो आपका रहता है तभी आप क्या होते हो उसमें पास हो पाते हो, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाता है। कई बच्चों के क्या होता है नंबर बहुत ज्यादा आ जैसे लिखित में ज्यादा आ जाते हैं या पर प्रैक्टिकल में ज्यादा आते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट में उनको फेल दिखाया जाता है। इसका कारण यही है कि दोनों में आपको अलग अलग, प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है, लिखित परीक्षा के अंदर आपको अलग पास होना होता है। इसके अलावा कई बच्चों ने एग्जाम से रिलेटेड बात की थी, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो जो एग्जाम अभी चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2022 राजस्थान स्टेट ओपन के, वो एग्जाम सप्लीमेंट्री वालों के लिए है यानी स्ट्रीम टू वालों के लिए है, जबकि स्ट्रीम वन वालों के लिए कई सारों ने पूछा कि सर हमने फॉर्म भरा था हमारा एग्जाम कब होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरते हो उससे एक साल बाद आपका एग्जाम होता है। तो आपने जैसे स्ट्रीम वन का मतलब होता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार एडमिशन लेते हैं, स्ट्रीम वन का मतलब वो होता है जो फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार एडमिशन ले रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर, उन बच्चों को स्ट्रीम वन के कैंडिडेट कहा जाता है। जबकि स्ट्रीम टू मतलब कि आप पहले से पंजीकृत हो लेकिन आप पास नहीं हो पाए, आप फेल हो गए, आप किसी कारण से फेल हो गए हो, चाहे थ्योरी में फेल हुए हो चाहे प्रैक्टिकल के अंदर फेल हुए हो, तो उन बच्चों को स्ट्रीम टू के अंदर आवेदन देता होता है यानी सप्लीमेंट्री उनको परीक्षा देनी होती। जो भी लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें ताकि और भी लोग लाइव आ जाएं और अपने जो कंफ्यूजन है डाउट है उसको क्लियर कर सके।
इसके अलावा कई बच्चों ने पीसीबी कैंप से रिलेटेड बात की है कि पीसीबी कैंप क्या होता है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, पीसीबी कैंप का मतलब होता है व्यक्तिगत संपर्क शिविर। मतलब क्या होता है, ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आपके जो दिसंबर या जनवरी के अंदर, दिसंबर से जनवरी के बीच में पीसीबी कैंप का आयोजन करता है। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं और जनवरी में 7 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, तो इस बार पीसीबी कैंप लेट होगा। पीसीपी कैंप उनके लिए होता है जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, नए बच्चे होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके सेक्शनल जो मार्क्स होते हैं वो यहीं से भेजे जाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी होती है वो यहाँ सिखाया जाता है। आपके और कोई भी डाउट्स होते हैं वो यहाँ क्लियर किए जाते हैं। सप्लीमेंट्री वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन जो सेक्शनल मार्क्स होते हैं वो एक बार ही दिए जाते हैं। तो इसलिए जो पीसीपी कैंप होते हैं वो नए कैंडिडेट के लिए होते हैं, जो सप्लीमेंट्री के लिए जो दे रहे होते हैं उन कैंडिडेट के लिए नहीं होते, लेकिन वो भाग ले सकते हैं। क्योंकि ये होता ही है कि बच्चों की जो समस्या है उनको दूर करें। ये 15 दिन का होता है और इस बार लगभग आपके फरवरी के अंदर होगा, मिड फरवरी, दूसरे सप्ताह के आसपास फरवरी के अंदर आयोजित होने की संभावना। कई सारे बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कब होगा, तो ये मध्य फरवरी के बीच में जो इसका आयोजन होगा। इसके अलावा कई सारे जो पास कैसे होंगे इससे संबंधित जो चीजें कह रहे थे, देखो पास होने का आपको दो ही जरिया है, एक तो आपकी जैसे मेहनत काम आएगी, दूसरा एग्जाम हॉल की आपकी जो रणनीति क्या होती है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है वो काम आएगी। वो आपकी रणनीति कैसे होगी, कैसे पेपर को आप सोल्व करते हैं, तो पेपर को एक तो सोल्व करने का तरीका है कि जो प्रश्न पहले आते उनको पहले आप करते जाओ, जो प्रश्न नहीं आते उनको स्किप करते जाओ, उनके ऊपर ज्यादा माथा खपाने का नहीं होता है। भले ही आपको लास्ट वाला प्रश्न अच्छी तरीके से आता पहले कर दीजिए और पहले वाला बाद में कर सकते हैं। छोटे प्रश्नों को हरगिज नहीं छोड़ना है क्योंकि उसमें आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। लेकिन ये भी रणनीति रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो कुछ आता वो लिख देना उसके अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बनाकर लिखने। मैप का क्वेश्चन आता है तो मैप पर 4-5 अंक का क्वेश्चन आता तो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि मैप को कभी भी स्किप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं जो भी हो। और अगर खंड के अंदर विकल्प आता सेकंड खंड के अंदर, तो वो भी आप उसको दो भागों को पहले पढ़ करके कि किस तरीके से डिवाइडेशन है, उसमें से कौन सा पार्ट हमें करना है और कौन सा नहीं करना है, उस पार्ट के हिसाब से आपको सोल्यूशन करना है। इसके अलावा भी कई सारी अगर आपको दिक्कत हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ ओपन वालों की भी बात कर लेते हैं कि जो भी छत्तीसगढ़ ओपन के जो न्यू एडमिशन अभी चालू है, मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही उससे संबंधित अपलोड किया था, आप जो अप्रैल सेक्शन है उसके लिए जो न्यू एडमिशन अभी चालू है आप भर सकते हो 31 दिसंबर तक, जो बिना किसी लेट फीस के साथ में है। हाँ, योगेश देवासी जुड़े सर, आर राजस्थान स्टेट ओपन के पीसीपी कैंप कब से होंगे, तो बिल्कुल मैंने इससे संबंधित बात कर दी है, फिर भी बता देता हूँ आप अभी जुड़े हो तो। पीसीपी कैंप आपके जो फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर आपके शुरू होने की संभावना है, मिड फरवरी समझ सकते हो, यानी जो फरवरी आधी आएगी उससे लगाकर फरवरी के एंड तक 15 दिन का होता है पीसीपी कैंप, तभी आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी लाइव सेक्शन को ज्वाइन किया वो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें इस चैनल को। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ ओपन के अंदर जो एडमिशन संबंधी बात कर रहा था, 31 दिसंबर बिना लेट फीस के साथ में, और बाद में जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आप लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ ओपन के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। सितंबर 2022 के अंदर जो फेल हुए हो वो अभी भर सकते हैं इसके अंदर, जो सप्लीमेंट्री का जिसको छत्तीसगढ़ ओपन में वो कैंडिडेट भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, उनके भी ये सेम डेट्स रहने वाली हैं। इसमें भी पास नहीं हो पाओ तो अगले सेक्शन में आप भर सकते हो, है ना। तो दोनों ही सेक्शन अप्रैल वाला और सितंबर वाला वहाँ कंटिन्यूज होता है, जो कोई दिक्कत नहीं छत्तीसगढ़ ओपन का, तो मतलब 1 साल का पूरा ही उसका सेक्शन पहले से फिक्स होता है, एग्जाम का शेड्यूल भी फिक्स होता है, टाइम सर एग्जाम हो जाते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि रिजल्ट कब आएगा छत्तीसगढ़ ओपन वालों ने, तो देखो छत्तीसगढ़ ओपन का नियम तो ये कहता है कि आपके एग्जाम होने के 15 दिन बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अमूनन देखने में यही आया कि 25 से 1 महीना तक का समय चला जाता है। तो आप यही मान के चलिए कि जब आपकी एग्जाम होगी
तो उसे 20 से 30 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ओपन का, जिनके पास किताबें में से राजस्थान स्टेट ओपन, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन दोनों की फ्री दी जाती, स्टडी सेंटर से आपको दी जाती, वहां से लेनी होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ ओपन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि आप ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन जो आपके पुराने पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने मेरे जो कबीर क्लासेज 58 नाम से जो मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग पर मैंने पूरा उसमें डाउनलोड करने का वन क्लिक से दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ ओपन की एक ही पोस्ट है। इसके अलावा राजस्थान ओपन के भी वहां से देख सकते हो क्या फीस लगती है, वो सारी डिटेल्स है। पीसीपी कैंप क्या होता है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें वहां पर आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान ओपन के जो बच्चों के अभी पेपर हो रहे हैं, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कबीर क्लासेज 58, इसके अलावा ओपन एग्जाम 58 नाम से वो टेलीग्राम पर जो आपका डिस्कस वाला, कोई भी आप उसमें जुड़ करके मैसेज कर सकते हो, अपनी समस्या रख सकते हो। वहां पर जो भी पेपर हो रहे हैं, आप उसका फोटो खींच करके या पीडीएफ बनाकर वहां शेयर करो, ताकि मैं उसको सॉल्यूशन के साथ बता दूं और आपके लिए भी बड़ा आसानी हो जाए और आने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे अगर ऐसे दो चार साल के जो पुराने पेपर अपलोड हो जाएंगे, तो उनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, और बड़े क्वेश्चन एक दो रिपीट हो जाए तो 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, 12 नंबर की क्वेश्चन आते, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। और छोटे प्रश्न तो हमेशा ही रिपीट होते ही है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी जैसे बताना चाहूंगा, राजस्थान ओपन की एक मुझे बात आ रही है, एक कैंडिडेट ने कोई कमेंट किया था कि न्यू फॉर्म कब भरे जाएंगे सब। तो देखो, हमेशा तो ये होता है कि दिसंबर में आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं, दिसंबर से जनवरी तक आपके फॉर्म चलते हैं, 15 जनवरी तक आपके फॉर्म चलते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, एग्जाम अभी चल रहे हैं, 7 जनवरी को पूर्ण होंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तुलसी जी कह रहे सर छत्तीसगढ़ ओपन में प्रैक्टिकल कब होता है, तो देखो दोनों सुन लीजिए। हाँ, तरुण जी कह सर मैं 12th तो पूरा पूरा तरीके से पास हूँ, पर मैं एक कम नंबर से हूँ, क्या मैं ओपन एग्जाम। चलो ठीक है, आपकी भी बात देख लेंगे। पहले जो तुलसी जी ने कमेंट किया उनकी रिप्लाई मैं देता हूँ। तुलसी जी ने जो बात कही है, एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ उस सेट को, कि छत्तीसगढ़ ओपन में प्रैक्टिकल कब होता है, ठीक है ना। तो आप चाहे छत्तीसगढ़ ओपन के विद्यार्थी हो या फिर आप राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थी, ठीक है ना, दोनों ही के लिए एक ही बात है कि आपका प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड अलग से कोई टाइम टेबल नहीं जारी करता है। आपका जो टाइम टेबल, जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहां से आपको पता करना होता है। अमूलन होता क्या है कि जिस दिन जो आपकी जो थ्योरी की परीक्षा होती है, उससे अगले दिन आपकी प्रैक्टिकल ली जाती है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके लगातार एग्जाम नहीं होती है, तो पहले दिन थ्योरी की एग्जाम होती है यानी लिखित, और दूसरे दिन प्रैक्टिकल होती है, तो वहां से आपको पता करना होता है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से कोई अलग टाइम टेबल नहीं जारी किया जाता। वहाँ सेंटर पर अच्छे शिक्षक होते हैं, सेंटर वाले तो वो बता देते हैं, अगर वो अच्छे नहीं होते तो आपको पूछना होता है, क्योंकि अगर आप रह जाते हो पीछे तो नुकसान आपका ही होता है ना। तो वहां से आपको पता करना होगा, चाहे आप छत्तीसगढ़ ओपन के हो या राजस्थान स्टेट ओपन के, दोनों को ये बात आपको ध्यान रखनी। और इसी दरमियान तरुण कुमार जी कह रहे सर मैं 10th पूरा तरीके से पास हूं पर कम नंबर हो, तो मैं क्या ओपन एग्जाम से अप्रूव दे सकता हूँ। देखो, ऐसा जहां तक है शायद मेरे हिसाब से आप नहीं हो। हाँ, अगर आप फेल हो तो TUC जो आपका क्रेडिट है वो ट्रांसफर जरूर है। और उसमें आपको पुराना देना होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई हो, तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जितना मुझे आइडिया वो कह सकता हूँ कि इसमें इस हिसाब से कोई आप श्रेणी सुधार के लिए ये हो गया, तो इस तरीके का कोई यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, अगर आप फेल हो तब आप भर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप श्रेणी सुधार के लिए नहीं कर सकते, आप परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आप नहीं पास हो तो आप फिर यहाँ पर अप्लाई, यहाँ क्या राजस्थान जो बोर्ड या माध्यमिक जो भी बोर्ड है उसमें भी इस तरीके से होता है कि आप फिर से दोबारा फॉर्म भर के आप अपने नंबर बढ़ा सको।
और कमेंट हो तो आप बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आपकी क्वेरीज है उसका बात कर लेते हैं। इस दरमियान एक और कमेंट किया था, उसकी बात को मैं बताना भूल गया क्योंकि कमेंट्स मुझे थोड़ी देर पहले याद था लेकिन अब दिमाग से निकल गया है। याद आया तो उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। न्यू एडमिशन से संबंधित बात होगी छत्तीसगढ़ ओपन राजस्थान ओपन दोनों में। तो राजस्थान ओपन के अंदर जैसे न्यू एडमिशन है आपके 15 जनवरी के बाद आ जाएंगे, ठीक है ना। 15 जनवरी के बाद में आपका जो न्यू एडमिशन है उसका फॉर्म स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आपका फरवरी के आसपास होगा। सर तुलसी जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ओपन में बुक कब। देखो अगर सर अगर मैं 9th लेवल से करता हूँ तो हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, 9th के बाद में आप, वैसे देखो किसी भी ओपन एग्जाम में आपको एडमिशन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप 9th पास होनी चाहिए, ऐसी कोई नहीं। आप भले पास हो तो भी 10th में एडमिशन ले सकते हो, अगर आप फेल हो तो भी ले सकते हो, और आपके पास में कोई योग्यता नहीं है तो भी ओपन एग्जाम से सीधा आप 10वीं कर सकते हो। बस शर्ते कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको साक्षर होने चाहिए, आप मतलब आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। बाकी 10वीं के लिए कोई योग्यता नहीं है, 12वीं के लिए योग्यता है कि आपको किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होनी चाहिए, बाकी 10वीं के लिए कोई योग्यता नहीं है। आप ले सकते हो इजीली एडमिशन, भले आप 9th पास हो या फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 10th फेल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें राजस्थान स्टेट ओपन या छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो राजस्थान स्टेट की नई एडमिशन से बात करा था, जो आइडिया मेरा यही है कि 15 जनवरी के बाद में आपके कभी भी इसकी डेट्स आ सकती है, फॉर्म शुरू हो सकते हैं। जो अप्रैल मई सेक्शन के हैं उनके फॉर्म शुरू होंगे, स्ट्रीम वन वाले यानी जो न्यू कैंडिडेट है वो फॉर्म आपके वहां पर फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा पीसीपी कैंप की तो मैंने बात कर ली है, वो आपके मिड फरवरी को ही होंगे लगभग आपके शुरू होने की, और फरवरी एंड तक चलेंगे, 15 दिन के होते हैं। और कोई बात हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, लगभग जो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने कह दी है। योगेश देवासी के सर स्ट्रीम वन 2022-23 के आरोप के एग्जाम कब होंगे। देखो योगेश जी, जैसे राजस्थान स्टेट ओपन का जो एग्जाम का शेड्यूल कब होगा कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो एग्जाम होते हैं वो दिसंबर में हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर के अंदर होते हैं तो उनके। लेकिन जहां तक मैं एक आइडिया बता सकता हूँ कि आपका अप्रैल में सेक्शन होता है, अप्रैल में सेक्शन के आपके जो एडमिशन है, जो एडमिशन जो आपके होंगे अगर जनवरी के अंदर 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाते हैं, तब तो जनवरी फरवरी मार्च यानी अप्रैल तक आपके चलेंगे एडमिशन लेट सेट फीस के साथ में। तो आपके मई भी छोड़ दो, मई एंड में हो या फिर जून, आप मान के चलिए जून तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो सकते हैं जून तक, और जून से लेट हुए तो जुलाई भी जा सकता है, क्योंकि अब जैसे दिसंबर में शुरू हुए जनवरी जा रहे हैं, तो आप मान कर चलिए इससे 6 महीने ज्यादा तो आप मान कर ही चलिए 5-6 महीने बाद एग्जाम होने वाले अब से, ठीक है। इसके अलावा एक कमेंट और किया था, देख लेता हूँ, तरुण जी ने किया था 10th पास हूं उनको छुपा करके फिर से तो दे सकता हूँ। अब देखो दे तो सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर लीजिए क्या होता है ना। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है इसलिए मैं आपको कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि गलत राय देना भी किसी के लिए इसके लिए ठीक नहीं हो, कल आपको उल्टा पड़ जाए और फिर आप मुझे ही गालियां निकालोगे कि उन्होंने कि इस तरीके की राय दी थी। तो गलत राय तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप ट्राई कर, आप अपने रिस्क पर ट्राई कर सकते हो। यही होता है कि अगर आप पकड़ में नहीं आते तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन पकड़ में आ जाते हो दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा आइडिया नहीं। आप किसी और से भी जब भी आप अपने स्टडी सेंटर पर जाओ ना वहाँ इसके बारे में और पूछ लेना, या कोई जानकार हो तो उससे पूछ लेना। हाँ अब एक नया कमेंट है सर, दिसंबर वालों के एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। चलो राजस्थान जो ओपन के अभी एग्जाम चल रहे हैं तो 5 जनवरी को कंप्लीट होगा। वैसे तो इसका जो शेड्यूल है शेड्यूल के अनुसार 15 दिन के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन को रिजल्ट देना होता है,
लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं कि जो पीछे अभी रिजल्ट आ रहा है, वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें, पहले सही था राजस्थान स्टेट का, वर्तमान अगर 2 साल के अंदर बात करें और खासकर जो पिछला रिजल्ट आपके आया था सितंबर वाला, तो उसके अंदर तो फिर क्या होगा कि जहां तक आप एक महीना मानकर चलिए, पूरा एक महीना, 1.5 महीने से वो रिजल्ट आया था पिछले वाला, तो आप एक महीना तो कम से कम मानकर चलिए कि 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। और राजस्थान ओपन के तो जो मार्कशीट वाला इश्यूज है, मोस्ट ऑफ मैंने जब वीडियो अपलोड किया था आ चुकी है, लेकिन कई बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट नहीं आई है। तो ये बड़ा इश्यू है राजस्थान स्टेट ओपन का पहुंचाने का, थोड़ा ढीला डाला। और हाँ, एक बच्चों का जो कमेंट्स आया था मुझे, वो कह रहे थे सर मैं एग्जाम से चूक गया, जो पहले मैं कह रहा था मेरी याद नहीं है राजस्थान स्टेट ओपन का जो सप्लीमेंट्री का दिसंबर वाला, तो के सर मैं क्या करूं। तो उनके लिए यही राय है कि वो क्या करेंगे, अगले जो एडमिशन जब सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जाएंगे, अलग से फॉर्म आएगा सप्लीमेंट्री के लिए ओपन होंगे, उसके लिए जब भी ओपन होगा मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, नए एडमिशन हो गए तो भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा राजस्थान ओपन वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तब आप फॉर्म भर के फिर से एग्जाम दे सकते हो। अब होता क्या है, राजस्थान स्टेट ओपन हो या छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन हो, वो आपको 5 साल के अंदर 9 अवसर देते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद 5 साल में आपको 9 अवसर देते हैं, यानी एक बार तो पहली बार देते, उसके अलावा 8 अवसर आपको और दिए, 8 बार में और आप पास कर सकते हो। दोनों ही बोर्ड में 5 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पास करने होते हैं, ठीक है ना। तुलसी जी फिर कह रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ ओपन में प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना पड़ता है। बिल्कुल, दोनों में बनाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, प्रैक्टिकल फाइल आपको जरूर बनानी होती दोनों में, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर फीस कितना लगता है 10वीं न्यू एडमिशन का, तो न्यू एडमिशन का फीस सर छत्तीसगढ़ का वैसे बोर्ड कोई ओपन नहीं करता है और नहीं कोई मेरे को इतने आइडिया, लेकिन लगभग 1200 से 1500 रुपये के आसपास फीस होनी चाहिए, 1200 से 1500 रुपये आप मानकर चलिए। अगर आप टाइम से भरते हो, ये 31 दिसंबर तक अभी है एडमिशन, तब तक इसके बाद भरोगे तो इसमें 500 रुपये प्लस कर लेना, 500 रुपये और इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म भरता तो वो भी बता सकता है, क्योंकि हमारे तक इतनी जानकारी नहीं है। हाँ तुलसी जी के सर आप कहाँ से हो, तो मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप जब भी कभी भरो तो आप ग्रुप में मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड जैसे राजस्थान स्टेट ओपन तो पूरा क्लियरली बताता है, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल ऐसा क्लियरली बताता नहीं है कि कितनी फीस होगी कितनी क्या है, तो उसमें जो बच्चा भर के जाएगा उसको ही पता होगा, ठीक है ना। तो इसमें रियली तो यही मान सकते हो आप 1200 से 1400 रुपये के बीच में आपकी होगी, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन की जो न्यू एडमिशन है उनके 1400-1500 रुपये फीस है, तो आप उतना थोड़ा इससे कम होगा छत्तीसगढ़ ओपन का, 100-200 रुपये कम मानकर आप चल सकते हो। तो जिन्होंने भी लाइव सेक्शन को ज्वाइन किया वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और भी कोई कमेंट है तो आप बताइए, नहीं तो आज के सेक्शन को यही हम ड्रॉप करें। जल्दी से आप कमेंट कीजिए अगर किसी की कोई क्वेरीज हो। देखो आप लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि अभी 2 जनों ने लाइक किया, बाकी जो जुड़े हुए वो लाइक नहीं करे, तो जितने लोग ज्यादा लाइक करोगे ज्यादा शेयर करोगे तो मैं भी समय निकालकर यहाँ आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तुलसी जी फिर कह रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ ओपन में बुक कब तक मिलेगा। देखो बुक आपको स्टडी सेंटर से आपको ले लेनी होती है, आपका जो फॉर्म भरते हो फॉर्म भरने के 1 महीने बाद, 1 मंथ के अंदर फॉर्म कंप्लीट हो जाता, उसके 1 महीने बाद में आपको अपने स्टडी सेंटर से आपको बुक्स ले लेनी होती है। नहीं मिलती है तो छत्तीसगढ़ ओपन के अंदर ई बुक्स अवेलेबल है, आप मेरे जो ब्लॉग है कबीर क्लासेस अकाउंट पर चले जाइए, वहां से आपको अपनी हर बुक्स हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी PDF अपने फोन में कर सकते हो, अपने लैपटॉप में कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। और उसका मैंने लिंक ही शायद ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल है कबीर क्लासेस अटाव नाम से उसमें शेयर किया था। और बताइए कोई हो तो कमेंट्स। ठीक है, तो किसी को कमेंट नहीं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में,
और कोई भी जैसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आएगी तो मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा, चाहे छत्तीसगढ़ ओपन की हो और चाहे आप राजस्थान स्टेट हो। तरुण जी कह रहे राजस्थान स्टेट में कितना है, किस चीज के बारे में पूछ रहे, फीस के बारे में अगर पूछ रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हर सॉरी अपने ब्लॉग कबीर क्लासेस अकाउंट पर जाकर हर चीज देख सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपके 10वीं के लिए है, 1400 से थोड़ा ऊपर है, और 12वीं के लिए है वो 1500 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये फीस लगने वाली है, तो वो आप एक आइडिया है बता रहा हूँ। बाकी आप पूरी फीस, इसके अलावा जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, उस फॉर्म के अंदर आपके जो 25 रुपये 30 रुपये हैं, 30 रुपये तो आपके ऑनलाइन फॉर्म के होते हैं, 25 रुपये आपके एग्रेशन यानी फॉरवर्डिंग के लगते हैं, वो अलग लगते हैं, वो सेंटर को आपको देने होते हैं। बाकी आपके जितना आप फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता, जो कुछ भी प्रिंट हो गए रिसिप्ट पर आए, वही पैसा आपको उनको देना होता, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई भी नहीं देना होता, ठीक है। तो आप वहां से, मैंने जो राजस्थान स्टेट ओपन की, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी उस पोस्ट की मैंने शेयर की है, आज ही की है, आप देख लें, वह सब कुछ राजस्थान स्टेट ओपन से संबंधित सारी जानकारी है, ठीक है। तरुण जी के सर आप हर संडे लाइव हो सकते हो, अब देखो आज जितना प्यार, इतना तो अगर प्यार थोड़ा अच्छा मिलेगा तो करेंगे प्रयास। आज तो अभी देखो 3-4 जने ज्वाइन हुए हैं, तो कम से कम ज्यादा बच्चे अगर ज्वाइन होंगे, मुझे कमेंट करोगे तो मैं तो आ जाऊंगा संडे को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपके लिए थोड़ा समय आधा घंटा जैसा समय निकाल लूंगा, लेकिन आपको वही है कि थोड़ा लाइक कमेंट शेयर तो आपको करना ही होगा, क्योंकि तो तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ज्यादा जितने ज्वाइन होगे उतना अच्छा रहेगा। एक कमेंट शायद छूट गया है, वो मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तुलसी जी ने कहा था कि सर छत्तीसगढ़ ओपन में मिनिमम कितना मास्टर प्लान होता है, तो देखो एग्जाम कोई भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ ओपन हो कि राजस्थान स्टेट ओपन हो, दोनों के अंदर आपको 33% लाना जरूरी है पासिंग मार्क्स, और मैं तो आपको कहता हूँ कि 36% आपको मान के चलना है, 36% आपको मान के चलना है, और मिनिमम की बात मत छोड़ो, आप मैक्सिमम की बात कहो, और कम से कम 50% आप नहीं लाते हो तो फिर कोई बात ही नहीं होती आगे। भले ही आप 5 सब्जेक्ट को एक बार में मत दीजिए परीक्षा, 5 सब्जेक्ट को में से पहले आपको दो कहते दो दो करके दीजिए, तीन तीन करके दीजिए, जैसे करके देते हो वैसे दीजिए, लेकिन नंबर अच्छे लाइए, क्योंकि आपकी मार्कशीट एक बार ही आएगी, तो इसलिए जो फेल होते हैं उनकी मार्कशीट नहीं आती, जब पास होंगे तभी एक बार मार्कशीट आती, तो अच्छे नंबर लाइए, भले आप टुकड़ों टुकड़ों में पास कीजिए, लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़िए अच्छा पढ़िए, ताकि उसमें अच्छे नंबर लाओ और वो मार्कशीट आपकी वैल्यू बने, आगे आपके काम आए, क्योंकि आपके एडमिशन अभी कई सारे हो चुके हैं नौकरी के अंदर, परसेंटेज के आधार पर 10वीं के परसेंटेज जोड़े जाते हैं, 12वीं के जोड़े जाते हैं, बीए के जोड़े जाते हैं, एमए के जोड़े जाते हैं, तो वहां पर फिर आपके लिए अच्छा मौका ये बन सकता है, अच्छे नंबर अभी लाओगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, फिर आज का सेक्शन यही होल्ड करते हैं, ठीक है ना। और कोई कमेंट नहीं, कोई क्वेरीज नहीं, लास्ट कमेंट कर दीजिए कि कोई क्वेरीज नहीं है, तो फिर आज का सेक्शन यही ड्रॉप करते हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ ओपन में तुलसी जी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 15 से 25 दिन का टाइम लेता और रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल वहां कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ ओपन में 15 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, 15 दिन का टाइम लेता, लेकिन अमूनन थोड़ा अगर 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जल्दी से रिजल्ट आ जाता है, छत्तीसगढ़ ओपन में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। फिर तरुण कुमार जी सर क्रेडिट योजना के बारे में बताइए। अब देखो क्रेडिट योजना में क्या होता है कि मान लो कि आप एक बार आपने रजिस्ट्रेशन हो गया, वो रजिस्ट्रेशन हुए आपके 5 साल तक वैलिड रहता है, 5 साल में भी आप पास नहीं कर पाए सारे सब्जेक्ट, तो वैसे 2 सब्जेक्ट के आपके वो जिसमें आप पास हो वो नंबर आपके क्रेडिट ट्रांसफर करता है इसके अंदर। इसके अलावा जैसे राजस्थान स्टेट ओपन है तो दूसरे, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अगर पास हुए हो, उसमें आप फेल हो गए लेकिन 2 सब्जेक्ट में आप पास हो, तो वो नंबर भी आप वहां पर क्रेडिट के रूप में ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते यही है कि वो विषय राजस्थान स्टेट ओपन में भी होना चाहिए, तभी आप उसका क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है ना।
क्रेडिट वही होता, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, जैसे अपन किसी को दे सकते, तो दूसरी जगह से आप उधार, वो होता है दूसरे बोर्ड से या फिर जो ओपन बोर्ड से भी किया उसको भी ट्रांसफर करवा सकते। सर आप कभी सीजी आए हो तो ना, मैं छत्तीसगढ़ बहुत घुमा हूँ, मैं भिलाई भी खूब रहा हूँ, रायपुर भी खूब रहा हूँ, राजनाथ गांव भी गया हूँ आपके वहां, वो माता के मंदिर भी देख के आया हूँ मैं, ऊपर जो क्या नाम है मैं भूल गया, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है कौन सी माता है, वहां पैदल गए थे हम लोग भिलाई से, उसका नाम बताना एक बार तुलसी जी, क्या नाम है उस माता का, ऊपर है ना जो बम्बेश्वरी था, क्या नाम ऐसा नाम था, वहां गांवों में भी खूब घुमाऊं, खूब मैंने त्योहार भी मनाए हैं आप। हाँ, बराबर बम्बलेश्वरी ऐसा ही नाम था, बराबर सही है बम्बलेश्वरी नाम, वहां हम पैदल गए थे, हाँ राजनाथ गांव के अंदर ही है वो, मुझे याद है बिल्कुल, ऊपर पहाड़ के ऊपर हम जाके आए थे, हम पूरा पैदल गए थे वहां पर भिलाई से, तो खूब रहा हूँ वहां भी, और मुझे भी थोड़ा वहां से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने राजस्थान का वैसे हुई और वहां का तो दोनों तरफ से मुझे। सर एग्जाम हॉल में चीटिंग होता है ना, ज्यादा लोग इसी की वजह से ओपन को चुनते हैं, तो देखो ऑन रिकॉर्ड तो मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में कुछ भी, ठीक है ना, बाकी अंदरूनी मामला आप सभी जानते हो क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ ऑन रिकॉर्ड में कुछ भी इसके बारे में नहीं कहूंगा, और आपको भी राय दूंगा कि ऐसी बातों पर आपको आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो फिर चूकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक हो अपनी मेहनत पर भरोसा आपको रखना चाहिए, ठीक है ना, तो ठीक है आज के सेक्शन को यहीं ड्रॉप करते हैं, लगभग आधा घंटा हो गया है, मैं सूर्या ब्लॉक से हूँ, कभी आप सीजी आना तो मैं बिल्कुल आऊंगा मैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम मिलेंगे, ठीक है ना, मैं पहले भी वहां रहा हूँ लेकिन अब मुझे आए हुए काफी समय हो गया, मैं लगभग 2001 में वहां पर आया था, 2001 से लगाकर फिर 3 या 4 साल लगातार रहा था, 2004-5 नहीं 2005 तक मैं वहां पे रहा था, फिर वो अभी गांव का नाम भी मुझे याद नहीं, वहाँ जो बेल्ट में मेरे दोस्त था एक, उसके साथ भी गया था घूमने, दीपावली पूरा त्योहार मनाया था, गांव गांव घूमे थे साइकिल लेकर के, बहुत अच्छा इलाका है वो, फसलें वगैरह भी देखी थी, नहर में स्नान करने गए थे, तालाब भी देखे थे, लोगों की जीवन शैली भी बहुत ही अच्छा इलाका है, बढ़िया है, अब की बार भी कभी आऊंगा उधर तो जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आज के सेक्शन को यहीं ड्रॉप करते हैं, धन्यवाद।